अस्सलाम वालेकुम। सो आज का जो हमारा लेक्चर एजेंडा है, जो लेक्चर वन का एजेंडा है, जो फर्दर हमने वो आज डिस्कस करना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमारे पास चीज़ है। सो इसमें यू मस्ट बी एबल टू कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो कोई भी चार्ज पार्टिकल, उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते। सो हमने रिसेंटली कूलम लॉ देखा था कि एक जो चार्ज के ऊपर जो दूसरे चार्ज की वजह से फोर्स एक्सर्ट होती है, उसको हम इस तरह से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी वो थी F12 = 1/4 πε₀, विच इज़ ए कॉन्स्टेंट, Q1 Q2/R12². सो ये हमारे पास था कूलम लॉ। सो चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस फोर्स ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस। सो हाउ डज ए चार्ज पार्टिकल नो अनदर वन इज देयर। सो इस प्रॉब्लम को जो इनकॉर्पोरेट करती है, वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। बेसिकली इट्स अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग अबाउट द कूलम फोर्स। जो कूलम फोर्स है, उसको हम किस तरह से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट्स ए फील्ड इन ए ऑल स्पेस। लेट से ये आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज एक पार्टिकल है। सो इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ये प्रोड्यूस कर रहा है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, और इसको हम एरो से डोनेट कर। लेट से ये इस तरह से आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी एक चार्ज की वजह से। और लेट से आपके पास दूसरा कोई चार्ज आ जाता है, अदर चार्ज पार्टिकल सेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस ए फोर्स इन रिस्पॉन्स। अब जो ये अदर चार्जेस हैं, लेट से कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये लाइक चार्जेस हैं, मीन्स के ये सेम चार्जेस हैं। अब ये एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स, और उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब दूसरा एक चार्ज है, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और वो अनलाइक चार्ज है। सो वो फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसकी डायरेक्शन जो है वो उस चार्ज की तरफ है, जो F31 है। और F13 जो है, F13 जो है, वो एफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एग्जर्ट कर रहा है किस पे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पे। और जो F31 है, वो ये एग्जर्ट कर रहा है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स। सो और इसका ये काम है कि सोर्स चार्जेस और टेस्ट चार्जेस को डिस्टिंग्विश करती है। इसमें जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो सोर्स चार्जेस हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज है। सो हमारे पास जो इक्वेशन इसकी फॉर्मुलेट होती है, वो ये होती है कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई, मीन्स के जो फोर्स जो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, वाया फोर्स दे एग्जर्ट ए ऑन ए टेस्ट चार्ज। जो टेस्ट चार्ज आपके पास है, उसके ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट होती है, उससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। और ये जो जीरो सबस्क्रिप्ट है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्ट चार्ज को। ठीक। सो एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ये आपकी एक स्टार्टिंग इक्वेशन है, जो आगे हम यूज करते रहेंगे। तो इस इक्वेशन को आप याद रखें। सो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या है हमारे पास? हम इसको किस तरह से, ई इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, हमारे पास उसका फार्मूला आ गया। तो एफ हमारे पास न्यूटन में, हम उसको जो एफ फोर्स की यूनिट है न्यूटन है, और क्यू की जो यूनिट है वो कूलम है। सो न्यूटन पर कूलम जो है, वो इसकी यूनिट आ जाएगी। ठीक है। सो आगे एक चैप्टर में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से उसको हम करते हैं, वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो चेंज हो जाती है। वो वहाँ पे इसको हम वोल्ट पर मीटर कहते हैं। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर देयर इज ए चार्ज पार्टिकल अराउंड टू फील्ड। मतलब अगर ये इंडिपेंडेंट है कि अगर चार्ज पार्टिकल है कोई या नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, वो प्रोड्यूस होंगी हर सिचुएशन में। सो जो पॉजिटिव चार्ज, कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, वो बेसिकली रिपेल होगा दूसरे पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है। जब आप उस पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आएंगे, तो वो फोर्स जो है, वो आउटवर्ड एग्जर्ट करेगा। इस तरह से वो चार्ज मूव हो जाएगा, जो आप इमेज में देख सकते हैं।
स्लाइड पे। अब जो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स हैं, दो तरह की फील्ड्स हैं ये बेसिकली। एक जो दो तरह की फील्ड्स हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और दूसरी जो है ग्रेविटेशनल फोल्ड है, सॉरी फील्ड्स हैं। इसमें ये होता है कि जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स में सेम फार्मूला है जैसे आपके पास कूलम लॉ में एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वेयर, ये आपके पास फार्मूला था। इसी तरह अगर आपके पास दो मासेज हैं M1 और M2, तो उसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सॉरी फील्ड्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड्स। सो जी इज इक्वल टू एफ ओवर एम और जी को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। सो यूनिट इसकी क्या होगी, न्यूटन पर किलोग्राम, ये हमारे पास यूनिट होगी। और जो लोकल ग्रेविटेशनल फील्ड, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, वो जो हम जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं, वो 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। थैंक यू।